नाउ वी शैल सी क्वेश्चन नंबर 13। 2014-15 का एमयू 11th इंडेक्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस्तेमाल करना चाहिए वर्ड, क्योंकि कॉमा लगा के लिखा है और इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट प्रोग्रेशन है क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है। 12 तो प्रोग्रेशन दे रखा है, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 18, स्क्वायर रूट 32। एनसीईआरटी में भी बच्चों ये लिखी हुई है प्रोग्रेशन, ठीक है। कह रहे इस, तो हमें बेसिकली सम पूछा है, तो सम का एक जनरल फॉर्मूला इस प्रोग्रेशन के लिए हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखें, निकालते हैं इसका ए कितना है बच्चों, फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म में स्क्वायर रूट 2 है, ये जो सेकंड टर्म है ये कितनी है, 2 स्क्वायर रूट 2 है, उसमें से स्क्वायर रूट 2 घट गया तो क्या बचा चला गया, 2 स्क्वायर रूट 2 में से एक स्क्वायर रूट 2 चला गया, तो 1 स्क्वायर रूट 2 बचा के नहीं, ओके, तो डी कितना हो गया, वो भी स्क्वायर रूट 2 हो गया। सम के दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों, सम ऑफ एन टर्म्स के, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता हो तो हम एक फॉर्मूला लगते हैं, लेकिन क्योंकि लास्ट ये इनफाइनाइट प्रोग्रेशन है इसलिए लास्ट टर्म नहीं पता, तो हम प्राइमरी फॉर्मूला रखेंगे, वो क्या है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एन एज इट इज रहेगा, ए और डी की वैल्यू पुट कर देंगे, एन बाई टू टू इन टू ए की वैल्यू स्क्वायर रूट टू प्लस एन माइनस वन एज इट इज रहेगा, डी की वैल्यू स्क्वायर रूट टू। देखते हैं स्क्वायर रूट टू को बाहर कॉल कर लेते हैं, एन स्क्वायर रूट टू बाई टू, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2 प्लस ये स्क्वायर रूट 2 बाहर जा गया है, बाहर चला गया है, एन माइनस वन बचा, ओके, 2 माइनस वन इज प्लस वन, 2 माइनस वन इज प्लस वन, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन ब्रैकेट में। देखिए ऊपर स्क्वायर रूट 2 है, नीचे 2 है, कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे स्क्वायर रूट 2 बचेगा, तो एन अपॉन स्क्वायर रूट 2, एंड इट इज द वैल्यू ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स फॉर दी सेड प्रोग्रेशन। क्या ये कोई आंसर है, देखिए सी को देखिए, सी इज एन एन प्लस वन बाई स्क्वायर रूट टू एंड हेयर इट इज, तो अवर आंसर इज सी। बच्चों नोट कर लीजिए, इस तरह के जितने क्वेश्चन है बच्चों पिछले 20 सालों के, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अरेंज कर दिए गए पीडीएफ में। पीडीएफ कैसी है, डायनामिक है, आप प्रिंट निकलवा लेंगे अगर उसका, तो उसमें बार कोड बने हुए, उसको स्कैन करके आप सोल्यूशन पा जाएंगे। प्रिंट नहीं निकाल रहे तो पीडीएफ पे जहां कहीं भी क्लिक कर देंगे क्वेश्चन के ऊपर, तो सॉल्यूशन खुल जाएगा, ओके, तो नोट कर लीजिए।